No toxic paints, no lead paints, all natural. बहुत अच्छा लगता है कि गणपति जी घर आ रहे हैं. सारे बच्चे बहुत उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं. घर वाले बहुत उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं कि कब आप आ रहे हैं और कब लेके आ रहे हैं गणपति जी को घर. घर सजाया जा रहा है और कल सुबह से जोर शोर में जिस तरह से हमारे घर में होते हैं 5 दिन के गणपति, तो वो मनाया जाएगा. ये शायद 13वां या 14वां साल है जो हम इको फ्रेंडली गणपति कर रहे हैं. और ये शाडू माठी का बनता है और जैसे कि आप यहाँ आगे पीछे के जितने गणपति हैं उसमें देख रहे हैं कि इस पर कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, कोई लेड पेंट नहीं है, कोई टॉक्सिक मटेरियल्स नहीं है, तो ये पर्यावरण के लिए हमेशा बहुत अच्छा है. और दूसरी बात, जब मैं बीच पर जाता हूँ विसर्जन के अगले दिन, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे टूटे विग्रह पड़े रहते हैं, तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है देखते हुए कि उनको कचरे की तरह उठा के फेंका जा रहा है. ये वैसे ही पिघल जाता है पानी में और वो आधे ऐसे ही टूटे फूटे स्टेट में पाए जाते हैं. तो मुझे लगता है कि गणपति जी की गरिमा के लिए भी ये ज़्यादा अच्छा है. गणेश जी की कहानियाँ, गणेश जी की बातें और सुंदर चीज़ें सीखने को मिलती हैं, संस्कार बच्चों को मिलते हैं. और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बच्चे एक्साइटेड होते हैं मोदक खाने के लिए, जो आपने शायद देख भी लिया होगा कि पूजा खत्म होने से पहले ही हाथ में मोदक थे. मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य की ओर से आपको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं. ईश्वर करे कि गणपति बाप्पा आप सभी को भरपूर आशीर्वाद दें. गणपति बाप्पा मोरिया. बायस एक फेस्टिवल है हमारे लिए और मैं पिछले, मतलब मैं जब 8 साल का था तब से पप्पा घर पे ला रहा हूँ. और उसके बाद जब से हमारी शादी हुई तब से हम दोनों साथ में ला रहे हैं. सो और फिर कैसा हुई तो अब कैसा है तो वो भी लेकर आ रही है. तो हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का माहौल होता है इन 5 दिनों में. सेलिब्रेशंस हैं और बहुत अच्छा अच्छा खाने को बनता है. और खाने को बहुत अच्छा अच्छा बनता है, मेरी मम्मी बनाती हैं, बट खाते वक्त बहुत सोचना पड़ता है. हाँ, सोचना पड़ता है, पर एक्चुअली 5 दिन नहीं सोचते हैं. फ्रेंड्स और फैमिली घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो मतलब बहुत ही बढ़िया टाइम है. एंड मैं कल ही सोच रही थी इनफैक्ट कि जब हमारा बचपन था, तो मैं कानपुर में थी तो हमारे यहाँ गणपति लाए नहीं जाते थे, पर अब कैशव बचपन से ये देख रही है कि गणपति आ रहे हैं और उनके लिए तैयारियाँ चल रही हैं. एंड इट्स कुछ एक फन है, एक सीखने की है चीज़ें जो मैंने सीखी है अपने माता पिता से. मैं चाहता हूँ कि ये मैडम भी सीखे हमसे. इको फ्रेंडली मूर्ति जब आप लेने जाते हैं तो इतनी बड़ी मिलती नहीं, कोई बनाता नहीं है ऐसी, तो इसलिए फिर इको फ्रेंडली होना ज़्यादा ज़रूरी था. और गणपति बापा का ही आदेश है दैट वी मस्ट टेक केयर ऑफ मदर अर्थ, राइट कैशा? तो इसलिए जितना बड़ा साइज मैक्सिमम इको फ्रेंडली मूर्ति में हो सकता है अब हम उतनी घर के लिए कोशिश करते हैं उतना. हर साल पापा जब आते हैं घर पे तो सबसे पहले वो दिन याद आता है जब पहली दफ़ा पापा को लेने गए थे. मुझे याद है बाइक थी मेरे पास और हम ढूंढ रहे थे कि पापा को लेकर आना है, क्या विधियां हैं, क्या किस तरीके से पूजा होती है, कुछ पता नहीं था. तो गूगल पे देख रहे थे, दोस्तों से फ़ोन करके पूछ रहे थे कि किस तरह से हो. और फिर आज का दिन है जब सब दोस्तों को हम लोग बोलते हैं कि घर पे पापा को लेके आएँ और यू नो किस तरह ज़िंदगी बदली है और हमारी मेरे दोस्तों की बदली जो जो घर पे पापा लेकर आए. इस बार गो ग्रीन का हमने थीम रखा था कि नेचुरल रखा जाए, प्योर रखा जाए, फ्लावर्स हो, ग्रीनरी हो. तो पापा भी आई थिंक वही चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया है हमारी, पूरा जो देश है, वो गो ग्रीन पे विश्वास करें. एंड सोनाली ने वही जहन में रखकर
डेकोरेशन को प्लान किया, पापा को चुना गया, जैसे वाइट है, प्योरिटी है, लंबोदर जिसको बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा येलो कलर भी रखा गया है. सो आई थिंक उसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग है सोनाली की, एंड शी हैज़ मास्टर्ड द डेकोरेशन नाउ. मैं सुबह ही वैसे जिम जाके आ चुका हूँ, मुझे पता है कि अभी बड़े कमाल के होममेड मोदक हैं और बेसन के लड्डू हैं जो मेरे फेवरेट रहे हैं. तो मैं अपनी तरफ से फिटनेस का जो मशाल संभाली हुई है उसका मैं अपना काम करके आ गया हूँ फिर से, और अभी मिठाइयाँ खाने का वक्त आ गया है. पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन दिनों में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पापा की जब मिठाई खाएंगे तो आप और फिट ही होंगे, तो आपको कैलोरीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए इन दिनों में. गणेश उत्सव आ गया तो बहुत अच्छा लगता है कि पापा जल्दी आ गए घर वापस, और एक अच्छा अलग ही सुकून सा महसूस होता है, और एक पॉजिटिविटी आ जाती है, एक रोशनी आ जाती है घर में, एक जो हमारा ट्रेडिशन है उसके तौर पर मतलब बहुत अच्छा लगता है. फैमिली और बड़ी हो गई है, और रवि को तो अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इज़ ओनली 6-7 months, लेकिन आई थिंक अगले साल वो भी इंजॉय करने लगेगा, क्योंकि लक्ष्य के लिए तो मतलब एक बर्थडे पार्टी की तरह, वो तो गणेश जी का बर्थडे है, तो इसलिए वो एक्साइटेड होकर नीचे आते हैं, क्योंकि हम उसे बोलते हैं कि हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं. हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग द कंट्री फॉर द इकोनॉमी. यस, इकोनॉमिकली ऑल्सो वी नीड हेल्थ एंड वेल्थ एंड हैप्पीनेस, सो दैट्स माई ओनली विश. जब से मैं आँखें खोली हैं, पहले 2-3 साल तो मालूम नहीं पड़ा होगा मुझे क्या है, 4-5 साल की उम्र से मेरे घर पे, मतलब जहाँ मैं पहले रहता था रामचंद्र बिल्डिंग में मेरी चाल में, वहाँ सार्वजनिक गणपति आता था बिल्डिंग का, वो 11 दिन 4 साल से लेके 19 साल तक मैं वहाँ रहा, मेरी 19 साल की उम्र तक वो 11 दिन मेरे लिए बेस्ट दिन होते थे. ड्रामा होता था, हम लोग छुप छुप के रिहर्सल देखते थे, फिर पूजा होती थी, पूजा में प्रसाद मिलता था हम, और चाल में तो सब दिखता है ना अंदर क्या है, सब खुला ही होता है, हम देखते थे जहाँ अच्छा प्रसाद मिल रहा है वहाँ घुस जाओ, जहाँ प्रसाद शक्कर वक्कर है तो वहाँ नहीं जाने का. तो नेचुरली बिल्डिंग में 40 गणपति होते थे, तो 10-15 हम चूज़ करते थे, और जाना उसी वक्त जब आरती एंड होने वाली है फाइनल क्लाइमेक्स में, ताकि वो ज़्यादा रुकना ना पड़े. तो इसलिए ये जो मज़ा आता था ना, ये इसका नशा ही अलग है, ये यादें मेरे साथ ही हैं.